हेलो फ्रेंड्स, संगीताज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे सूखे काले चने की हम सब्जी बनाएंगे। अष्टमी के दिन ये भोग के लिए ये सब्जी बनाते हैं, वही आज हम बनाएंगे। तो काले चने की सब्जी बनाने के लिए मैंने एक काले चने को मैंने पूरी रात मैंने पानी में मैंने भिगो के रखा था। तो ये चने को मैंने 2-3 बार मैंने पानी से अच्छे से धो लिया है। तो ये पानी है वो हम निकल देते हैं। तो ए साइड गैस मैंने शुरू कर दिया है, उसके ऊपर मैंने रख दिया है कुकर। तो हम उसमें डालेंगे 2 कप, हम डालेंगे पानी, डालेंगे आधा कप चना लिया है तो 2 कप हम पानी डालेंगे। उसके बाद में आधी छोटी स्पून जितना डालूंगी नमक। उसके बाद में डाल रही हूँ थोड़ा सा, मैं डाल रही हूँ ये बेकिंग सोडा। उसके बाद ये चने को मैं उसमें डाल देती हूँ। हम उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा यूज करेंगे तो ये चना है बहुत सॉफ्ट बनता है, इतना हार्ड नहीं रहेगा। तो उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दीजिए तो ये चने को बॉईल करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, फटाफट बॉईल भी हो जाता है। तो हम कुकर के ऊपर ढक्कन बंद करके हम 3 से 4 विसल हम लगा लेते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे सब्जी बनाएंगे। तो गैस मैंने मीडियम पर रखा है। तो ये हमारा चना है वो भी बॉईल हो गया है, हम देख लेते हैं। अच्छे से हमारा ये चना है अच्छे से बॉईल हो गया है, आप देख सकते हैं। उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे तो ये फटाफट बॉईल हो जाता है और चना है बहुत सॉफ्ट बनता है, बिल्कुल हार्ड नहीं रहेगा। तो देखिए हमारा ये चना अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम उसका मसाला बना लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए एक बाउल लिया है। अब हम उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जितना रेड चिली पाउडर है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, आधी स्पून जितना हल्दी पाउडर है, 2 टेबल स्पून जितना ये है धनिया जीरा पाउडर है। उसके बाद आधी छोटी स्पून जितना ये है नमक। उसके बाद हम पानी डाल के स्मूथ बैटर बना लेते हैं। ये बैटर इसलिए बनाया है कि ये जो चना हम बना रहे वो भोग के लिए बना रहे तो उसमें प्याज नहीं डलते हैं, तो इसलिए हमने ये बैटर बनाया है। तो ये बैटर बिल्कुल जलेंगे नहीं, तेल में डालेंगे तो ड्राई मसाला तेल में डालेंगे तो जल जाता है, तो इसलिए हम इस तरह से बैटर बना लेना है। तो गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख दिया है। अब हम उसमें डालेंगे तेल, डालेंगे तो 3 या 4 टेबल स्पून जितना डाला है तेल। उसके बाद 1 टेबल स्पून जितना जीरा है, आधी छोटी स्पून जितना हींग है। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हमने जो मसाला की जो पेस्ट बनाई है वो हम डाल देते हैं। तो इस तरह से आप सूखा मसाला को इस तरह से पेस्ट बना लीजिए। तो ये मसाला है सूखा, तेल में डायरेक्टली डालेंगे तो जल जाता है, तो इस तरह से पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद में उसमें डालूंगी कड़ी पत्ता। अब हम मसाला को अच्छे से तेल में मिक्स कर लेना है। जब तक ऊपर तेल न आ जाए तब तक हम ये मसाला को इस तरह से भूनेंगे। तो बस एकदम सिंपल तरीके से एक काले चने की सब्जी बनाना है। तो देखिए उसके ऊपर तेल भी दिखने लगा है। तो अब हम काले चने हैं वो हम डाल देते हैं। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में उसमें डालने वाली हूँ एक काजू का पाउडर, में यूज करने वाली हूँ। उसके जगह आप पीनट्स पाउडर भी यूज कर सकते हैं, बादाम का जो पाउडर है वो भी यूज कर सकते हैं। मैंने लिया है 1 टेबल स्पून जितना ये है काजू पाउडर। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। काजू पाउडर मैंने इसलिए डाला है कि हमने एक्स्ट्रा मसाला डाला है वो अच्छे से कोट हो जाए चने पर, इसलिए मैंने ये काजू का पाउडर यूज किया है। तो अब हम ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पर हम 1 मिनट के लिए चना को पकने के लिए रखेंगे। तो ये मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो देखिए हमारा ये काले चना बनके तैयार हो गया है। तो उसके ऊपर हम डालेंगे धनिया, डालेंगे। तो बस इस तरह से एकदम सिंपल तरीके से चना बनाया है। मैंने उसमें लेमन जूस नहीं डाला है, आप चाहे तो उसमें लेमन जूस भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये सूखे चने की जो सब्जी है वो स्पेशल अष्टमी के दिन माता जी के भोग के लिए ये बनाते हैं। तो बस इस तरह से सब्जी को बनाना है। तो आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।